जय माता दी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रविवार की पौराणिक व्रत कथा। और ये व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वृत होकर आंगन को गोबर से लीपती और स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया की कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्योदय सूर्यदेव की व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता लगा तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया के गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझा कर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गाय का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और इस प्रकार रविवार व्रत की पौराणिक कथा समाप्त हुई।